पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी मध्य प्रदेश का स्वागत शौर्य दल की सदस्य सानिया सुल्तान करेंगी। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक शाह का स्वागत शौर्य दल की मंजू लोधी करेंगी। मिलकर नवनिर्माण करें हम, सुरक्षा का माहौल रचे हम। पुलिस महानिदेशक से निवेदन है कि वे सम्मान अभियान की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण करें। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, मंच पे मेरे साथ उपस्थित एडिशनल सीएस हमारे गृह विभाग के श्री राजेश राजौरा जी एवं महिला एवं बाल विकास के प्रमुख सचिव श्री अशोक जी का मैं स्वागत करता हूं। यह प्रोग्राम एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में और महिला सुरक्षा के लिए जागरूक करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है जिसका आज यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इस अभियान की परिकल्पना की गई, किंतु हम जिस लेवल पे प्लान कर रहे थे वो एक विभागीय स्तर का ही प्रयास था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी साहब के सहयोग से और बाकी सभी विभागों के सहयोग से इसको अब काफी वृहद स्तर पे प्रारंभ किया जा रहा है। आज उसी का ये समारोह है। जागरूकता अभियान के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ परख कर अपराधों की रोकथाम में समाज की जो सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित होना चाहिए उसी की तरफ सारे प्रयास इस अभियान के दौरान किए जाएंगे। इस अभियान का एक उद्देश्य और भी है कि जनता तक वे समस्त जानकारियां प्रचारित और प्रसारित किया जाना, जिसका उपयोग महिलाएं एवं बालिकाएं अपनी सुरक्षा के लिए सक्रियता के साथ इस्तेमाल कर सकें। वर्तमान में पुलिस विभाग ऑलरेडी काफी वैधानिक समाधान उपलब्ध कराने में प्रयासरत रहता है, किंतु समाज के सभी वर्गों का सहयोग और शासन के सभी विभागों का सहयोग इस ओर आवश्यक है, उसी की तरफ ये एक प्रयास है। इसके अलावा इस प्रदेशव्यापी मुहिम को चलाते हुए हमें जिन अन्य विभागों से मुख्य सहयोग मिल रहा है उसमें महिला एवं बाल विकास, स्थानीय शासन, इसके अलावा अन्य और जनसंपर्क, मीडिया के साथीगण, इन सभी का सहयोग इसमें प्राप्त होगा और ये हम इसको एक सफल अभियान के रूप में चला पाएंगे। इस पर्टिकुलर अभियान का उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं के निजी जीवन में जो अवांछनिक हस्तक्षेप, चाहे वो छेड़खानी, छींटाकशी, भागझाग आदि की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए और जो इसमें वैधानिक प्रावधान आईपीसी में मौजूद हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए और विशेष तौर पे महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए इसके लिए कई प्रयास इसमें किए जाएंगे। उसमें कुछ पोस्टर्स का प्रकाशन है, कुछ चित्रांकन का प्रकाशन है, कुछ म्यूजिकल आइटम्स हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स लेना और उनको जागरूक करना, ये सारे प्रयास इसमें शामिल होंगे। ये अभियान जैसे कि अभी एक कैप्सूल के तौर पे कंसंट्रेटेड वे में 15 दिन के लिए प्लान हुआ है, लेकिन पुलिस विभाग के लिए ये अभियान सतत चलने वाली एक प्रक्रिया रहेगी जिसको हम आगे भी इसी जोश के साथ चालू रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सभी इस अभियान के जरिए प्रदेश में महिला सुरक्षा के स्तर को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यह कार्यक्रम निर्भया फंड द्वारा संचालित सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। जिला दंडाधिकारी भोपाल अविनाश लावानिया से अनुरोध है कि वे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के संबंध में अपना प्रस्तुतिकरण दें।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री महोदय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय एसीएस महोदय एसीएस गृह श्री राजेश राजौरा सर, माननीय डीजीपी सर पीएस महिला बाल विकास, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित शौर्य दल एवं अन्य संगठनों से आई हमारी बहनें बालिकाएं, मीडिया बंधु, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में भोपाल में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित है। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, इसमें सर्वप्रथम बालिकाओं व महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना ताकि वे सभी प्रकार की हिंसा से भयमुक्त होकर जीवन जी सके, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही हम सेफ सिटी कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और साथ में ये भी सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न विभागों की जो गतिविधियां हैं उनको एकजुट कर समन्वित और सामूहिक प्रयास करें, जिससे कि बालिकाओं और महिलाओं की अभिरक्षा एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा सके। नेक्स्ट सर, मैं बताना चाहूंगा कि भोपाल जिले में पूर्व से ही यूनिसेफ को साथ लेकर ये सभी गतिविधियां संचालित रही हैं। इसमें हमारे द्वारा स्टीयरिंग समिति की बैठक की गई, उसके बाद समुदाय से संवाद स्थापित करके एक प्राइमरी सर्वे कराया गया और शहर के विभिन्न हॉटस्पॉट्स को चिन्हांकित किया गया। फिर उन हॉटस्पॉट्स को बेटर बनाने के लिए हम लोगों ने एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन किया और साथ ही उसको प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। इसमें हमारे द्वारा 105 मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 64 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। ये सभी गतिविधियां करने के बाद हम लोगों ने भोपाल में एक सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट कराया, जिसके माध्यम से सभी हॉटस्पॉट्स का चिन्हांकन और उनमें क्या कमियां रह गई हैं जिनको कि हमें सुधारना है, उनका चिन्हांकन किया गया। नेक्स्ट, उदाहरण स्वरूप सर, यदि हम भोपाल की सड़कों को देखें तो उनको हम लोगों ने 5 श्रेणियों में बांटा है और ये चिन्हित किया है कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे कि हमें महिला सुरक्षा के लिए और इसके लिए कि महिलाएं वहां ज्यादा सुरक्षित महसूस करें कार्य कर रहे हैं। इसके बाद सर, इन सभी हॉटस्पॉट्स पे सभी विभागों के समन्वित प्रयास से और विभिन्न इंटरवेंशन से, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैत्री मोबाइल की गश्त बढ़ाकर, हमारे यदि स्ट्रीट लाइट्स की कमी है तो स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर कर, और हमारे जो ITMS और सिटी सर्विलांस के CCTV कैमराज हैं उनकी निगरानी को बढ़ाते हुए इन सभी स्पॉट्स को हम लोगों को ग्रीन जोन में लाना है, जिससे कि इन सभी स्थानों पे भी हमारी महिलाएं और बालिकाएं बिना किसी भय के अपना कार्य कर सके, आवागमन कर सके। नेक्स्ट, हमारा जो सेफ सिटी का अभियान है सर, उसके ये प्रमुख परिणाम हैं जो अपेक्षित हैं, जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं सर। सर्वप्रथम क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान करना और पुलिस गश्त के माध्यम से उन्हें सुरक्षित जगह में परिवर्तन करना, लिंग आधारित हिंसा, नशीले पदार्थों के सेवन और ऐसे अन्य मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराना, ड्रॉप आउट और बाल श्रमिकों को स्कूल में पुनः नामांकन कराना, वार्ड एवं बस्ती स्तर पर संरक्षण समितियों का गठन करना और फिर उनकी ही सहभागिता सुनिश्चित करना, जिससे कि बजट का बेहतर उपयोग महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए किया जा सके। इसके साथ ही सर, इसी अभियान में हम महिला हेल्पलाइन 181 और 109 पे भी जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ सर, भोपाल में वन स्टॉप सेंटर संचालित है सर। ये एक ऐसा सेंटर है सर, जहां महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, परामर्श, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं सर, इसी सेंटर के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि इन सभी पीड़ित महिलाओं को हम लोग आगे के लिए स्वावलंबी बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं सर, पिछले एक वर्ष में 1431 विभिन्न प्रकार की हिंसाओं के प्रकरण यहाँ सामने आए और उनमें हम लोगों ने 793 महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया, 40 महिलाओं को स्वनियोजित प्रशिक्षण दिया। इस प्रकार से 1333 महिलाओं को, जो कि इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित थी, उन्हें हम लोगों ने स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। नेक्स्ट, ये कुछ झलकियां हैं सर, कुछ महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही साथ लोन के माध्यम से ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए, ऑटो रिक्शा संचालन की ट्रेनिंग दी गई, सिलाई की ट्रेनिंग दी गई। इस प्रकार से विभिन्न गतिविधियों से जोड़ते हुए उन सभी को स्वावलंबी बनाने का प्रयास भोपाल जिले में किया गया है। नेक्स्ट, इसके साथ ही सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा अभियान है, उसमें भी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को हम लोगों ने प्रमुखता से लिया है। उसके लिए हम लोगों ने ये 5 गतिविधियां उसमें जोड़ी हुई है सर।
एक तो सर हमारी जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियां हैं सर, जैसे कुमारी मेघा परमार है जो एवरेस्ट पर्वतारोही हैं, कुमारी रिया जैन है जो राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हैं, इन सभी को हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे ला रहे हैं जिससे हमारी बेटियां प्रभावित हों। बहादुरी और सामाजिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं का भी सम्मान करते हैं। शक्ति चौपाल का आयोजन करते हैं जिससे जो कि एक विशेष ग्राम सभा है जो मूलतः महिलाओं की सुरक्षा पर आयोजित की जाती है। इसके साथ ही सर अन्य विषयों पर भी समुदाय का हम संवेदीकरण करते हैं। इसके साथ ही सर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित वातावरण निर्मित करने में पूरा प्रशासन सभी लोग सभी विभाग पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इस अभियान के अंतर्गत 23 पोस्टर्स की सम्मान पुस्तिका सृजित की गई है। मंच में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों से निवेदन है कि वे पोस्टर पुस्तिका का विमोचन करें। इस अभियान की शुभंकर गुड्डी एक 16 वर्षीय सजग जागरूक युवती है जो न केवल अपने खुद की सुरक्षा के लिए सतर्क है अपितु दूसरों को भी सजग रहने की संदेश देती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो शुभंकर का अनावरण करें। धन्यवाद सर। इसी अभियान के क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला सुरक्षा गान तैयार किया गया है जिसे आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, तो देंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम की आजादी का सम्मान करेंगे, सृष्टि की पूजक है माँ बेटी बहन हमारी, शक्ति भक्ति जन तेजस्वी है हर नारी, अत्याचारों को सहना नहीं सम्मान से जीना है यही, हर लड़की का सम्मान करे वही असली हीरो है, हीरो है, हीरो है। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, तो देंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, तुम भी मेरे साथ लो जरा सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं पोस्ट।
इन पोस्टर्स को डेवलप करने के लिए देश और प्रदेश के कलाकार रहे हैं और एक हमारा एएसआई हरिकांत दुबे, पुलिस का हरिकांत दुबे। यह गान सार्थक शर्मा एवं नकुल देशमुख द्वारा लिखा गया है और इसमें कुछ पंक्तियां विशेष पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण श्रीमती अरुणा मोहन राव द्वारा भी रचित की गई हैं। इस अभियान के लिए भारतीय ओलंपिक कोटा विनर निशानेबाज मनु भाकर एवं अभिनेता अक्षय कुमार का वीडियो संदेश भी प्रस्तुत है। महिला अपराध ना मेरे मोहल्ले, ना मेरे प्रदेश, ना मेरे देश में। मध्य प्रदेश की इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद। नारी का सम्मान, असली हीरो की पहचान, मध्य प्रदेश पुलिस के इस अभियान में भागीदार बनी। जय हिंद। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने आशीर्वचन दें। मंच पर आसीन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एसीएस होम आदरणीय राजौरा साहब, आदरणीय डीजीपी साहब जौहरी जी, आदरणीय अशोक साहब जी महिला बाल विकास के पीएस, यहां उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अधिकारीगण, बहनों बेटियों, सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सम्मान शब्द तारीख 11/21 तीनों ही शुभ सूचक हैं। आधिकारिक आंकड़े के रूप में अभी जौहरी साहब ने भी, सावधानियों के रूप में दुलानिया जी ने, कलेक्टर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई, पर इस बार जब से मुख्यमंत्री जी ने चौथी पारी शुरू की और स्वयं गृह विभाग की समीक्षा प्रारंभ की, तब से अभी तक महिला अपराधों में 15% की कमी आ गई है, जो अपने आप में एक देश के अंदर रिकॉर्ड थी। ये एक पक्ष है उसका, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी था कि जब समाज जागरण की बात आई तब भी उन्होंने पहल करी, चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, चाहे महिलाओं के प्रति सम्मान हो, चाहे महिलाओं को आगे लाने के लिए पंचायत में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, अथवा पुलिस की भर्ती में हो या शिक्षकों की भर्ती में हो, हर जगह महिला को आगे के लिए इस सरकार के प्रयासों को, उनकी सोच को, मुख्यमंत्री जी को लगातार वो धरातल पर लाते रहे। ये भी एक पक्ष है। इसके इतर जो पक्ष आपके सामने है वो सम्मान के रूप में है, क्योंकि समाज के अंदर जिस तरह की विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं उसके लिए जन जागरण जरूरी है। उन विकृत मानसिकताओं के लिए समाज के अंदर अगर जागरण हुआ तो सुधार जल्दी होगा। लेकिन दूसरे पक्ष में यह मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य था जहां शिवराज सिंह जी चौहान ने इस तरह का अपराध करने वालों को, बालिका के प्रति, फांसी की सजा मुकर्रर की थी, और 37 मामले अभी तक ऐसे हैं जिसमें फांसी की सजा, अन्य सजाएं हो चुकी हैं। भय के साथ में जागरण, ये मूल भाव है। सम्मान शब्द भी उसी का प्रतीक है। हमारे यहां कहावत है कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। या यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह भारत के अंदर ही है। हम अपनी जननी जन्मभूमि, इसको जन्मभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं, और ऐसा सिर्फ भारत में ही है जो अपनी भूमि को माता कहते हैं।
न तो कहीं आप सुनोगे पाकिस्तान पिता है, न इंग्लैंड फादर है, न हॉलैंड मदर है। ये सिर्फ हमारे देश के अंदर ही है जहां नारी शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति के रूप में भी नारी की आराधना की जाती है। हमें ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाएं, हमें पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाएं, हमें विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाएं। ये हमारी संस्कृति ने इस तरह के आधार को जोड़ा था जिससे कि एक नजरिया नारी को देखने के बारे में बदल जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हर कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन का रखा है, जो आपके सामने प्रारंभ किया था। अभी हमारे सोच को बदलने वाले काम, हमारे विचार को बदलने वाले काम, हमारी संस्कृति को बदलने वाले काम ये मध्य प्रदेश पहल करता है। वही पहल आज सम्मान कार्यक्रम के रूप में भी है। हम मातृशक्ति की पूजा करें, हम मातृशक्ति की आराधना करें, वंदन करें, जिससे ये विकार वाले लोग जो समाज के अंदर विचरण कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं उपस्थित है, उनके मन पर ये प्रभाव लगे, उनके मन पर ये प्रभाव पहुंचे। हमारे यहां बहुत सारी लोकोक्तियां और मुहावरे भी हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। ऐसी संस्कृति है हमारी। उस संस्कृति के पोषक और उपासकों के लिए सम्मान कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत ही साधुवाद मैं पूरे विभाग को देता हूं। और मुख्यमंत्री जी जिनके मार्गदर्शन में ये सब चल रहा है, निश्चित रूप से हम इस प्रदेश के अंदर एक बदलाव की, इस दिशा में अलगाव की पहल ये साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अकेला ही चला था, मगर लोग आते रहे गए और कारवा बनता रहा। आज इस कार्यक्रम स्थल पर शौर्य दल, आंगनवाड़ी, एनजीओ, स्कूली बच्चे, प्राचार्य, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित हैं। साथ ही अभी एनआईसी से लेटेस्ट फिगर्स जो प्राप्त हुई हैं, 2,250 लिंक्स हैं, जिसमें वेबकास्ट लिंक हैं, जिसमें थाने, एसएएफ का बल, जीआरपी, पुलिस मुख्यालय, पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी और आम जन हैं। साथ ही समस्त कमिश्नर, आईजीपी, कलेक्टर, एसपी भी एनआईसी से ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। में अनुकरणीय कार्य करने वाले आमजन असली हीरो को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित असली हीरो जिले में ही उपस्थित हैं। सर्वप्रथम जिला सागर से श्रीमती श्रीबाई। नमस्कार सर। जिला सागर के थाना सनौदा में गैंगरेप पीड़िता महिला और उसके दो छोटे बच्चों को तीन आरोपियों से रेस्क्यू कर प्रोटेक्ट करने में असाधारण शौर्य का प्रदर्शन करने वाली सागर जिले की असली हीरो श्रीमती श्रीबाई हमारे बीच है। आपकी आवाज क्रैक हो रही है। इधर अब आप बोलिए। सर जी, श्रीमती श्रीबाई इनके द्वारा 22। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए आगे। हम अपने खेत में तिली काट रहे थे 12 बजे दिन को, एक औरत आई भगत भगत के हमें बचा ले। जी कुछ कह रहे हैं। निवेदन मामा जी को निवेदन। आपने कैसे किया और क्या किया बता दीजिए। तिली काट रहे थे हम अपने खेत पे मामा जी, तो वह 1 बजे दिल को बदबद देता आई कि हमें भाई बचा ले। तीन लोग उसके साथ मैं हते मानने के लिए
दो बच्चा थे उसके, एक एक साल को एक दो महीना को, सुबह हमें लिपड़ गई ऐसी कि हमें बचा ले। हमने कहा कोई नहीं, तुम मार पे हम खड़े हैं, हाथ जलाए थे हम तिली काट रहे थे खेत पर। जी। वो कह रहे हमारी सारी आए, इसको छोड़ो। हमने कही नहीं छोड़ो, वो कह रहे अम्मा तुम छोड़ो नहीं, जो हमें ना जो मार दे है। हमने कही नहीं, तुम नीचे बिल्कुल डाक नहीं धर रही, हम खड़े हैं। हम हंस के लाए थे सो हमने सो हाथ में ले ला। हमने की तुम आओ एक यार सो के अंदर वो नहीं है, हमारी सारी यार छोड़ो, तुम्हारी कुआ जा, तुम काय बचा रही। हमने की हम भी मर जाएंगे, उसके बच्चा है उसको नहीं मार सका तुम, हम भी मारे उसके सामने, मारो तुम। इतने में हमारा लड़का तनक दूर है तो उसको हमने एक किलोमीटर से तेरों का देवराज इतना बाहरी आदमी आई, एक औरत आई मार रही, हमें मार रही, उस औरत को मार रही भी देवराज के अंदर वो खड़े रामाई। सो कुटवार को लगा उन्होंने कही हम कुटवार को लगा रहे, फोन थानेदार को लगा रहा कही अभी पुलिस बुलवा रहा है हम, इतने में गदगद देगा सर भी। फिर हम ले गए घरे गांव को, सो कुटवार में कर रही हमने उसके बच्चों को खाना पीना दूध पिलाओ को खाना पीना अपनी साड़ी पहराई हमने। अब सो नंबर को कोटवाल ने फोन लगाओ सो थाने भेजा दी। आपने अद्भुत काम किया, डर नहीं लगा आपको ये करते हुए? हमें नहीं लगो, बिल्कुल नहीं लगो, हमें उसके बच्चे चिल्लाते तब तो हम ऐसे खा रहे हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगो हमें, डर लग रहा हूँ। देखिए असली हीरो है, 22 साल की एक बेटी जो बलात्संग से पीड़ित थी उसको मारने की कोशिश हुई, डराने की दबाने की कोशिश हुई, लेकिन श्री जी ढाल बन के खड़ी हो गई और उस बेटी को सुरक्षित निकाल लिया। आपका हृदय से सम्मान है, और मैं पूरे प्रदेशवासियों से कहूंगा बहन श्री जी ने जो काम किया वो हमको भी प्रेरणा देता है। ये चाहती तो दाएं बाएं हो सकती थी, ये चाहती तो कह सकती थी मुझे क्या करना है, लेकिन अपनी जान की परवाह न करके एक बिटिया को बचाया। धन्य श्री जी श्री भाई आपका जीवन, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जिला छिंदवाड़ा से श्री रोशन विश्वकर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। मई दो बैठे जिस तरह बैठे हैं सर, मई 2020 में एक 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का की गंभीर घटना घटित हुई थी, और इसके आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इस चुनौती में हमारा साथ दिया था असली हीरो श्री रोशन विश्वकर्मा ने, वो अपना अनुभव साझा करेंगे। रोशन भैया बताएं क्या किया आपने? जी सर, मेरा नाम रोशन लाल विश्वकर्मा, ग्राम बालपानी थाना बटका खापा जिला छिंदवाड़े रहने वाला हूँ सर। तो जी बैसाख जेठ में सर चार तोड़ाई चलती गुठली अचार, मतलब तो उसमें हम उस समय में चार तोड़ा चालू था, दो दिन वो पता चला एक सुल्ला खापा में एक 5-6 साल की लड़की से गलत कार हुआ। तो दो दिन से वो पुलिस के डर के वजह से भालपानी के जंगल में भाग गया था, तो जंगल पे लुक रहा सर वो, पुलिस भी दो दिन से ढूंढ रही थी तो नहीं पकड़ पाए उसको। तीसरा दिन मुझको मिल गया जंगल पे अचानक, मैं चार तोड़ने गया सर, अचानक मिल गया तो मैंने बादशाह में उसका फोटो भी देखा और उसको थोड़ा पहचाना मैंने को यही, और मार्केट जाते रहते थे थोड़ा पहचान भी था सर सुल्ला खापा का, इसलिए फिर मैंने उसको 1 किलोमीटर आगे जान दिया। और इसके बाद मैं 100 नंबर पे इतनी कड़ी हिम्मत करके मैंने को अब जैसा भी हो जब गलत हुआ है तो मैंने को अपनी जान भी जाए तो अपनी कोई परवाह नहीं, ऐसा करके मैंने फोन लगा दिया सर। फोन लगाया तो पुलिस भी हर्रई अमरवाड़ा धनोरा के सब घेर लिए जंगल को, और गांव के ने भी सहयोग दिए, 10-11 बजे बीच में जंगल में ढूंढ के पुलिस को उस आरोपी को पकड़ दिए सर। बहुत बढ़िया, तालियां बजा के स्वागत कीजिए रोशन विश्वकर्मा का। 5 साल की बिटिया के साथ दुराचार की घटना के बाद एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए आपने हर संभव प्रयास किया,
अच्छा आपके मन में ये कैसे आया कि मैं ये पुलिस को बुलाऊं, ये भी सोच सकते थे कि मुझे क्या लेने देना? अब सर अब गलत कार हुआ है तो मैं इनको जब पकड़े नहीं रहे, पुलिस भी दो दिन से परेशान है और इसको मेरे इनाम का भी पता नहीं सर, मेरे को जब हर रही ब्लाक ले गए जब इनाम का पता था कि 5,000 इसमें इनाम रखा गया, थाने में मालूम हुआ था सर, फिर मेरे को एसपी साहब ने दो दिन बाद मुझे 5,000 रुपये भी दिए थे। बहुत अच्छे आपने हिम्मत से काम किया, आप डरे नहीं जी, आप हिचके नहीं और अपराधी पकड़ लिया गया, बहुत स्वागत आपका जी, बहुत सम्मान। वो सम्मान पत्र भी सम्मान पत्र वही मिलेंगे ना। जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल से आग्रह है कि वह असली हीरो श्री रोशन विश्वकर्मा को माननीय मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। जिला सतना से श्रीमती मुन्नी बाई कौल। नमस्कार सर, हमारे साथ है श्रीमती मुन्नी बाई कौल, जिन्होंने दिसंबर 2020 में 13 वर्ष की एक मानसिक रूप से कमजोर बालिका के अपहरण के केस में ना केवल बालिका को अपने घर में रखकर सुरक्षा और सहारा दिया, साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो और जानकारी वायरल कर बालिका को पुलिस तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय भूमिका निर्वहन की है। हमारे साथ मुन्नी बाई कौल है, सर सुनना चाहेंगे। मुन्नी बाई प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम आपको, आपने अद्भुत काम किया है, लेकिन आपके मन में विचार कैसे आया? ये साहब इसलिए विचार आया कि वो गई, वो बोलने लगी कि आंटी यहाँ का रास्ता कहाँ है, तो हम बोले बेटा यहाँ का तो रास्ता नहीं है, तो बोली कि हमको, हम बोले उसको कहाँ जाना है बेटा आपको, तो बोली कि हमको गांव जाना है, तो हाँ फिर मैं सोची कि वो भूल गई अपना घर रास्ता, तो मैं वो रोने लगी, मैं अपने घर वहीं बैठाई और फिर उससे बोले कि ले पानी पी, मुंह धो, पहले ठंडी दिमाग से तू अपना गांव का रास्ता बता, तो फिर वो बताने वाली वो भी नहीं थी कि उसका पूरा एकदम से भूल गई कि हमारा घर कहाँ है, गांव कहाँ है, फिर बताने लगी कुछ देर में कि मेरा गांव बड़ा है, फिर हम बोले कि होगी कि बड़ा है और रात का समय था 6 बजे, तो मैं उसको अपने घर ले गई, हम यही सोच के कहीं उससे कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं घर उसको अपने ले गई, 2 दिन वहां घर पे रखी थी, जहां का बड़ा का नाम बताई तो मैं वहां भी पता लगवाई, तो वहां बोले कि हमारे यहाँ का गांव की लड़की नहीं है, तो फिर मैं अपने लड़के को बोली कि वो मोबाइल में उनका पिक्चर वो करके व्हाट्सएप में करके पूरे हार भेज दो कि जिनकी लड़की हो तो आकर अपने ले जाए, अपना घर का पता, नाम पता, गांव मोहल्ला सब का पता दिए सर, और फिर 2 दिन रही हमारे घर में, फिर जो हम खाएं वो खिलाएं, साथ में पढ़ाएं, और फिर वहां यही सोच के कि हम कहीं कुछ लड़की के साथ हो ना जाए, तो हम कहीं नहीं भेजे, अपने घर में रखे रहे, फिर पुलिस पहुंची तो पुलिस आकर उसको ले गई, उनके माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंचाई। धन्य है मुन्नी भाई, आप बहुत धन्य है क्योंकि आपको बेटी मिली जी। अगर गलत नियत वाला कहीं अकेले में बेटी के पास पहुंच जाते तो दिक्कत हो सकती थी, आपने अपना फर्ज पूरा किया, आपने 3 दिन बेटी को अपने घर पे रखा, और इतने ही नहीं बेटे ने कहा कि फोटो डाल दो मोबाइल पे ताकि जिसकी बेटी हो वो ले जाए, आप जैसी बहने ही सचमुच में असली हीरो है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, और सरकार की तरफ से सम्मान पत्र वहां कलेक्टर और एसपी आपको देंगे, तालियां बजा के मुन्नी भाई जी का स्वागत। और हमें बोलो और फिर हमको वो लड़की तब घर पहुंच गई सर, तो फिर हमें एफसी साहब ने जो हमारे पास में ठहरे फिर हमको बुलाकर सम्मानित किए। चलिए बहुत अच्छी बात है, सम्मानित करना चाहिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी सब आपको सम्मानित कर रहे हैं। जिला भोपाल से श्री मनोज गायकवाड। सर हमारे साथ असली हीरो मनोज गायकवाड़ हैं, इन्होंने एक 12 साल की बच्ची को
तस्करी या ट्रैफिकिंग होने से बचाया जो मंदसौर से होकर हरियाणा जाने वाली थी। मनोज आप अपनी कहानी बताइए सर को। मनोज बताइए कैसे आपको प्रेरणा मिली और आपने क्या किया। सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज गायकवाड़ है। नमस्कार। अन्ना नगर झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ। मैं नाइट में ऑटो चलाता हूँ आईएसबीटी से। सर रात में 10-11 बजे एक बच्ची उतरी 10-12 साल की। उसने बोला मेरे को स्टेशन छोड़ना है, छोड़ दो। तो मैं स्टेशन ले गया तो उसको दिल्ली जाना था सर। तो उसने फिर आई, उसने बोला रुक जाओ मैं आ रही हूँ पता करके। तो आई, उसने बोला भैया ट्रेन तो है नहीं कोई। तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने बोला टिकट तो करना पड़ेगा। तो उसने मेरे से मोबाइल लिया, कोई लड़के को हरियाणा का एक कोई लड़का है उसको फोन लगा के उसने बात करी, फिर मेरे से बात करा के तो वो लड़का बोलने लग गया इसकी बोले टिकट बना देना सुबह बिठा देना। तो मैंने सोचा मेरे को, उसने बोले उसकी नाक की नकली ले लेना सोने की, उसको बेच के उसका टिकट बना देना। तो मुझे शंका हुई ये गलत हाथों में जा रही है। तो मैं उसको आईएसबीटी वापिस लिया आया तो रंग बसेरा है वापस उसको बिठा दिया। तो हेड साहब बुलाया मैंने हेड साहब को, तो गोविंदपुरा थाने ले गए उसको। तो गोविंदपुरा थाने ले गए तो उन्होंने पता करा तो कहाँ जाना चाहती थी वो लड़की, हरियाणा जाना चाहती थी। उसके पापा के मोबाइल द्वारा चैटिंग से उसकी हरियाणा से एक लड़के से दोस्ती हो गई थी। तो दोस्ती होने के उसको भेजा के फुसला के बुला रहा था तू तो हरियाणा आ जा इधर। तो सुनील भैया ने उनके घर वालों को फोन लगाया, पुलिस वाले भैया ने घर पे फोन लगाया। वो आए उसके बच्ची को उसके माँ पापा ले गए। मनोज सचमुच में धन्य हो तुम, नहीं तो तुम्हें क्या लेना देना, छोड़ दिया स्टेशन नाटो के पैसे लिए जी और छुट्टी। लेकिन ये बेटी थी 13 साल की और सोशल मीडिया पे चैटिंग के माध्यम से किसी से हरियाणा में दोस्ती हो गई और उस चक्कर में अपना घरवार छोड़ के वो हरियाणा जा रही थी। अगर ये मनोज ना मिलते तो ट्रेन में बैठ के उस बेटी की क्या गति बनती, पहुंचती हरियाणा नहीं पहुंचती, और पहुंचती और उस लड़के के पास पहुंच भी जाती तो उसके बाद उसका क्या होता और उसकी जिंदगी का क्या होता, कोई कल्पना कर सकते हैं क्या। मनोज अद्भुत काम किया है, तुम हो असली हीरो। मध्य प्रदेश सरकार तुम्हें सम्मानित करती है, तालियां बजाकर मनोज का भी स्वागत करें और मध्य प्रदेश शासन की ओर से एसपी और कलेक्टर सम्मान करेंगे मनोज का। जिला रायसेन से श्री भवानी सिंह एवं श्री मधुसूदन दुबे। नमस्कार सर, थाना नूरगंज में एक पिता द्वारा अपनी बच्ची पर दस्तखत करने के अपराध की सूचना थाने को देना तथा आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस का सहयोग करने वाले हमारे आज की हीरो श्री भवानी पवार एवं श्री मधुसूदन दुबे हमारे साथ हैं। मधुसूदन सर नमस्कार। सर मैं मधुसूदन दुबे सर नमस्कार मैं मधुसूदन दुबे करमई थाना नूरगंज से हूँ। सर जून माह की बात है, मेरे गांव में मैं रोड पे खड़ा हुआ था, मेरे गांव की एक महिला आई, उसने मेरे से कहा कि भैया एक साइड आना, मैं एक साइड गया। उसने कहा भैया मेरी लड़की के साथ उसके पिता ने गलत कार्य किया है तो तुम पुलिस को सूचना दो। तो मेरे साथ मेरे मित्र भवानी भाई खड़े हुए थे, इनसे मैंने कहा तो इनने तुरंत फोन लगाया और इसके बाद आगे का भवानी भाई मुझे मधुसूदन दुबे जी ने कहा, मैं पास ही में खड़ा था, मैं ग्राम बमनई निवासी हूँ सर और करमई किसी काम से आया था। तो पंडित जी ने मुझे बुलाया क्या रहते तो आप, मैं गया, मैंने कहा क्या बात हो गई, कि लग ये महिला कह रही है कि थाने फोन लगा दो। तो मैंने कहा क्या बात है, तो महिला ने बताया कि मेरे पति ने मेरी ये 12-13 साल की बेटी है और वो रो रही थी बेटी, तो ये 12-13 साल की बेटी है इसके साथ गलत काम किया है, भैया आप थाने फोन लगा दो। तो मैंने सर सबसे पहले 100 डायल को फोन लगाया, 100 डायल ने कहा कि हम तत्काल आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने डीएसपी मैडम थी हमारे थाने नूरगंज में, मैंने उनको फोन लगाया,
और उनको फोन लगा के पूरी कहानी बताई कि मैडम ऐसी ऐसी बात है। तो मैडम ने ये कहा कि आरोपी फरार ना हो जाए, भाग ना पाए, आप उसे रोक के रखना या बातों में लगा के रखो, हम तत्काल यहां से आते हैं। फिर मैंने पंडित जी से कहा कि मनका आप उसे बातों में लगा के रखो जब तक मैं थाने बात कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद पुलिस के कर्मचारी आ गए, सारे लोग आ गए, उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गए। फिर हमने जाके थाने में FIR भी करवाई साथ में जाके। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने सचमुच में आपने जो एक पंडित को करना चाहिए वही पुण्य और पवित्र काम किया। और भवानी सिंह जी, आपने मधुसूदन दुबे जी के साथ मिल के सच में कोई कल्पना नहीं कर सकता, जो समाज की मानसिकता दूषित मानसिकता की बात हो रही है, ये ऐसा जमाना है कि कुछ कुछ होती घटना है कुछ, लेकिन सचमुच में दहला के रख देती है। एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत काम करे ये कौन सोच सकता है। धिक्कार है ऐसे नर पिशाचों को, उनको जीने का अधिकार नहीं है, इनको तो सरेआम फांसी के फंदों पे लटका देना चाहिए। वास्तव में ऐसे नर पिशाच है, लेकिन देवता के रूप में आए बनके भवानी सिंह और मधुसूदन दुबे जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इन असली दोनों हीरो का हृदय से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप ऐसे ही मदद करते रहिए, अगर कहीं कोई मुसीबत की मारी कोई बहन और बेटी मिले, भगवान ना करिए समाज ऐसा रहे जिसमें ऐसे जल्लाद भी पैदा हों जो बेटियों को नहीं छोड़ते, लेकिन आप जैसे उदाहरण भी है जो सचमुच में प्रकाश स्तंभ की तरह काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं, और SP कलेक्टर वहां है वो मेरी तरफ से सरकार की तरफ से आपको सम्मानित करेंगे। तालियां बजाकर स्वागत। जिला सागर से श्रीमती श्रीबाई, उनको सम्मान, उनको प्रदर्शित सागर से श्रीमती श्रीबाई का मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मार्गदर्शन एवं उद्बोधन का निवेदन है। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे DGP विवेक जौहरी जी, ACS राजेश राजौरा जी, अशोक शाह जी यहां बैठे और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे, हमारे पुलिस विभाग के सभी अलग अलग स्तर के अधिकारीगण, बाकी सभी साथीगण, सौर्या दल की बहनें भी यहां बैठी हैं, प्रदेश भर में ऐसे बैठे हुए आज मुझे सुन रहे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, एक घटना अभी हमने यहां सुनी, ये कैसा जमाना है। अभी नरोत्तम जी कह रहे थे भारतीय सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की बात, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की संस्कृति है जहां मां बहन और हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में स्वाभाविक रूप से मां बहन और बेटियों का जो सम्मान है वो अन्यत्र दुर्लभ है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, राधे कृष्ण,
मेरा नाम आएगा तो देवी का आएगा, मां का आएगा। ये किस बात का परिचायक है? ये केवल परंपरा नहीं है, ये संस्कार है हमारे। बेटियों की पूजा कन्या मानते, कन्या बेटी, ये देवी है। और इनके पूजन का कार्यक्रम, कार्यक्रमों में भले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया हो, लेकिन ये देश तो सदैव सदैव से पूजता आया है। लेकिन आज हमने ऐसी घटना भी सुनी रायसेन जिले की। एक दरिंदा बाप अपनी मासूम बिटिया को ही अपनी हवस का शिकार बनाता है। अब जब ये देखते हैं तो मन दर्द और व्यथा से भर जाता है। तब कौन मौन हो रहता है जब पानी सर से बहता है? चुप रहना नहीं सुहाता है, कुछ करना ही पड़ जाता है। भांजी पर चुपते नस्तर को ये मामा कभी ना सहता है। तब कौन मौन हो रहता है जब पानी सर पर बहता है? आज का ये कार्यक्रम इसी भावना का प्रतीक है। मैं गृह मंत्री जी को, विभाग को आज इस बात के लिए तो बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो लगातार प्रयास हुए, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, उसके आंकड़े गृह मंत्री जी आपको बता रहे थे, 15% कमी आई है महिला अपराधों में। प्रयास हुए, मैं मध्य प्रदेश पुलिस के अफसरों को, निष्ठावान हमारे साथियों को जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया है, बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी घटनाएं देखते हैं, अभी हम समीक्षा कर रहे थे तो समीक्षा में ये बात सही है, इस साल हमने 7,000 के आसपास बेटियां अलग अलग स्थानों से जो गायब थी वापस लाने में सफलता प्राप्त की। 4,000 बेटियां अभी भी गायब हैं। इस धरती पर, इस देश में जब ऐसी घटनाएं होती हो तो क्या हम चुप बैठ सकते हैं? बेटी बचाओ अभियान हमने चलाया था, फिर से कन्या की पूजन का कार्यक्रम हमने शुरू किया। कोई व्यंग कर सकता है कि मुख्यमंत्री या सरकार नाटक करती है, लेकिन बेटी की यह पूजा नाटक नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, यह समाज की मानसिकता को बदलने की विनम्र कोशिश है। बेटियों के प्रति समाज की मानसिकता कैसे बदले, यह सम्मान कार्यक्रम भी इसलिए, एक अभियान हमें चलाना होगा। नरोत्तम जी को ध्यान होगा, दतिया की धरती से पवित्र पीताम्बरा मां के दर्शन करके हमने बेटी बचाओ अभियान पिछले सालों में 2015 में प्रारंभ किया था और पूरे प्रदेश में मैंने अपील और आह्वान किया था कि बेटी बचाओ अभियान चले। मैं जब मुख्यमंत्री बना 2005 में, तब 2006 में पहली योजना हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी योजना हमने इसलिए बनाई थी कि बिटिया बोझ ना समझी जाए। अरे इस धरती का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोग भी पैदा होते हैं जो बिटिया जन्म ले ले तो मातम मनाते हैं, बेटा आए तो खुशियां मनाई जाए और बेटी आए तो मां का चेहरा भी उतर जाए। हमने तय किया कि बेटी बोझ नहीं बरदान रहेगी, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। बेटी बोझ ना रहे, बेटी पढ़े लिखे, इसलिए स्कूल जाने पर साइकिल, स्कूल की यूनिफॉर्म, मिड डे मील, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना, सीरीज है एक कार्यक्रमों की, एक मालिका है। और गरीब बहनों के लिए हमने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले संबल योजना में 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देंगे, क्योंकि हमने वो दृश्य भी देखे हैं
कि मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म दे दे तो हफ्ते भर भी आराम नहीं कर पाती थी और अपने बेटा बेटी को या तो घर में छोड़ती थी या खेत की मेड पर रख के दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब हमने तय किया कम से कम एक महीना तो बेटा बेटी को जन्म देने के बाद गरीब बहन आराम कर ले, इसलिए संबल में यह प्रावधान किया। कन्या विवाह की योजना शुरू की, हमारा कार्यक्रम अलग प्रकृति का था, उसको केवल धन से नहीं जोड़ा था हमने। जब उसको केवल धन से जोड़ा जाता तो फर्जी विवाह भी होने लगते, लेकिन सांस लेने से लेके जन्म लेने से लेके अंतिम सांस तक सरकार खड़ी करने की कोशिश की थी। लेकिन आज बेटी बचाओ अभियान अब दूसरे ढंग से चलाना पड़ेगा। बेटी बचाओ अभियान, लाली लक्ष्मी योजना, नारी सशक्तिकरण, उनका शैक्षिक सशक्तिकरण, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, इस दिशा में तो चले गई, लेकिन बेटियों की सुरक्षा आज अहम सवाल है। 13 साल 14 साल 15 साल 18 साल 16 साल बेटियां गायब होती है। हमें हैरत में रह गए। कल जो मुझे घटना बताई, एक 12 साल के लड़के ने एक 4 साल की बेटी के साथ गलत काम किया। लड़का 12 साल का, और गलत काम कैसे किया पता चला कि उसने मोबाइल पे वैसे दृश्य देख के किया। ये इंटरनेट, मोबाइल, मोबाइल पे आती हुई फॉर्म फिल्में, ये बच्चों की मानसिकता, 12 साल का बच्चा कल्पना कर सकते हैं आप, ये मानसिकता मित्र बदलनी पड़ेगी। आज जब हम लोग समीक्षा कर रहे थे, जो बेटियां गुम हुई हैं उनको वापस लाने के लिए और बाकी सुरक्षा के उपाय करने के लिए गृहमंत्री, डीजीपी, एसीएस सब थे, हम क्या पोर्न फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लग सकता? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या इस तरह की चीजें रोकी नहीं जा सकती? क्या बच्चों के सामने हर चीज परोसी जाएगी? क्या उनकी मानसिकता को दूषित करने का यह अभियान चलता रहेगा? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। मैं बता रहा था वहां भी, बहुत वर्षों पहले चित्रहार कार्यक्रम एक शुरुआत था टेलीविजन में, उस चित्रहार में अगर कोई ऐसा गाना परिवार देखते थे बैठ के, माता पिता बेटा बेटी, लेकिन चित्रहार में अगर कोई ऐसा गाना आता था जो माता पिता के साथ बैठ के बेटा बेटी को नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहिए, या तो टीवी बंद कर दिया जाता था या बच्चे उठ के चले जाते थे। लेकिन आज हालत क्या है, कैसे भी दृश्य आए पूरा परिवार बैठा है, क्योंकि हम ये मान बैठे कि ये तो हो गई, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये बाप व्यभिचार करते ये कहां से चीज पैदा होती है? और इसलिए जो अभियान है हमारा, ये समाज की मानसिकता बदलने का अभियान। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये केवल सरकार का काम नहीं है। कोई घटना हुई हमने केवल पुलिस को गाली दे दी और उनको दोषी ठहरा दिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। एक घर में पैदा हुआ बेटा और बेटी, वही बेटा घर से निकल के जिसके घर अपनी बहन है, बाहर दूसरी बेटी दिखती है तो उसका एटीट्यूड क्या होता है? क्या बहन की नजरिए से देखने की उसकी मानसिकता होती है? छींटा कसी करने में उसको संकोच नहीं होता? दुपट्टा खींचने में उसको लाज नहीं आती? फोफ्तियां कसने में उसको शर्म नहीं लगती? अरे समाज भी अजीब है, बेटा के 100 गुना माफ, उसको समझाने का काम कोई नहीं करेगा। वो कभी आए कभी जाए, क्योंकि बेटा है ना, और बेटी
बेटी पे कितनी बंदिशें होती है, दोष बेटी का नहीं है, लेकिन कहीं कोई घटना हो जाए कौन दोषी माने जाते, उल्टा बेटी को ही दोष दिया जाता है। बाहर मत निकल, इधर मत जा, उधर मत आ, और कुछ हो जाए तो किसी से कुछ कहना नहीं, बदनामी हो जाएगी। ये समाज की मानसिकता मेरे बहनों और भाइयों बदलनी होगी, बिना मानसिकता बदले बेटी नहीं बचेगी। एक तरफ मानसिकता बदलने का अभियान, अभी हमारी गुड्डी हमने देखा, ये पुस्तिका देखी है, मैं बधाई देता हूं विभाग को, सचमुच में बहुत बहुत सोच समझ के बनी। अब आप देखिए एक एक चीज इसमें, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, स्थिति देखिए, यह हमारे समाज में सरेआम होता है। धक्का मार रहे हैं आप, बस में चढ़ रहे हैं तो वहां धक्का मार रहे हैं आप, और आप खड़े खड़े देख रहे हैं, शर्म जो देख रहे हैं उनको नहीं आनी चाहिए क्या? यह हरकत नहीं, अपराध है। चलते चलते टू व्हीलर से जा रहे हैं, बेटी जा रही है, आप दुपट्टा पकड़ के खींच रहे हैं, हो करके निकल जा रहे हैं, क्या ये देख सकते हैं हम? और ये जागरूकता अभियान कि इस अपराध में 3 साल की जेल और जुर्माना होगा, हमें प्रचार करना पड़ेगा और दिलाना भी पड़ेगा। बेटी की छेड़छाड़ी अपराध है, कहीं भी आओ आ जाओ मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ, ये प्रैक्टिकली इस पर कई चीजें बताई गई है। क्या बेटी को इस तरह से ट्रीट किया जाएगा? फप्तियां कसना ये अपराध नहीं है क्या? ये सारी वो बातें जो आज समाज में हो रही है, बस में चढ़ रहे हैं उसके बाद गंदी हरकत कर देना, क्या ये अपराध नहीं है? इसमें भी 3 साल की जेल और जुर्माना, और एक बेटी के साथ कोई फप्तियां कस रहा है, और हम सब मुर्दों की तरह खड़े हुए, तो डूब के मर जाना चाहिए फिर इंसान है क्या? अपराधी के हौसले कब बुलंद होते हैं? जब बाकी समाज डर के खड़ा हो जाता है, क्या पुलिस के आने तक हम इंतजार करेंगे? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी बनी, ये प्रचारित हो, मैं तो कहता हूं कि माध्यम और जनसंपर्क, फिल्में बनाए छोटी छोटी, ये टेलीविजन पे आना चाहिए, केवल न्यूज चैनल नहीं, सीरियल जब देखते हैं तब भी आना चाहिए, जो खर्चा होगा होगा, ये जागरूकता अभियान जन जन के पास जाना चाहिए। बेटियों का पीछा करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि आते जाते कॉलेज स्कूल कोचिंग क्लास, अगर कोई बदमाश पीछा कर रहा है तो बेटी की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, उस समय वो कैसा महसूस करती होगी? ये ताक झांक करना, ऐसी दूषित मानसिकता के लोग हैं। इसमें भी 3 साल का जेल और जुर्माना दंडनीय अपराध है, 18 वर्ष की उम्र से कम, 18 से कम उम्र की बेटी से शादी कर लेना, ये बहकाना फुसलाना, और कई बार मुझे लगता है इस पर विचार होना चाहिए कि ये उम्र 18 रहनी चाहिए या ये उम्र 21 साल कर दी जानी चाहिए, समाज में बहस होनी चाहिए। जब बेटों की शादी 21 से कम में नहीं हो सकती तो बेटियां काय को, सोचने समझने परिपक्वता जरूरी। अब जो घटना हमने सुनी भोपाल की, 13 साल की बच्ची ने मोबाइल पे चैट किया और आ जाओ हरियाणा, अब ये ऐसी स्थिति में शादी की उम्र क्या रहनी चाहिए, ये भी हमको सोचना चाहिए। इसमें भी मैं इसको बहस का विषय बनाना चाहता हूं, प्रदेश सोचे, देश सोचे, ताकि इस पर कोई फैसला किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर और जागरूक है, वो लगातार महिला सशक्तिकरण के प्रयास करते हैं। ये जो सजग गुड्डी अभियान है, ये गुड्डी के माध्यम से सजगता ये पूरे समाज में फैलाने का हमको काम करना पड़ेगा। और इतनी प्रैक्टिकल चीजें हैं,
गुड्डी मेरे साथ चल अच्छी जगह शादी करवाऊंगी, आंटियां भी कुछ ऐसी हो जाती है। एक ड्रग वाली आंटी पकड़ी गई इंदौर में जो नशे के कारोबार में लगी थी, काम धंधे के लिए ले जाना। ये वीडियो वायरल होते हैं आजकल, आप मानसिकता की कल्पना कर सकते हैं, सुसाइड कर लेती हैं लड़कियां कि ये समाज में चलने दिया जाएगा। अगर कोई वीडियो बन भी गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से पुलिस को बताएंगे। और हम काय के लिए बैठे, काय के लिए सरकार है, सरकार मूक दर्शक नहीं रहेगी किसी भी कीमत पर। इस सरकार का संकल्प है ऐसे अपराधियों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, और वो हम करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जब मध्य प्रदेश ने अभियान चलाया, मुझे गर्व है, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सबसे पहले बेटियों के साथ अगर बलात्कार होगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे, कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती से बने। 37 में लगभग फांसी की सजा सुनाई चुकी है, दो ऐसी है जो दया याचिका तक मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी आगे निकल चुकी है। ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ही चैन की सांस लेंगे, लगातार फॉलो अप करेंगे। एक तरफ समाज की मानसिकता बदलना और दूसरी तरफ अपराधियों को कड़ा दंड देना। और इसलिए अभी हमने ये धर्म स्वातंत्र विधेयक लाए, कुछ लोग इसको लफ्ज हाथ कह रहे हैं, ये किसी ये ना समझे कोई किसी एक उपासना पद्धति धर्म या जाति के लिए, बेटियां बेटियां हैं कोई भी हो, लेकिन बेटियों को बहला के, बेटियों को फुसला के, बेटियों को भ्रमित करके, नाम बदल के उनकी जिंदगी तबाह करने का अधिकार किसने दिया है। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर तय क्या ऐसी घटनाएं हुई है, हमारे पुलिस के मित्र बैठे, 14 साल की बेटी गायब होती है, ले जाने वाले को हमने पकड़ा हैदराबाद के पास, सिकंदराबाद से हमारी पुलिस ने पकड़ा, और उसके साथ पहले से 40 साल की महिला रह रही है। अब मेरी 14 साल की बेटी की जिंदगी क्या होगी, क्या नरक नहीं बन जाएगी? एक अपराधी को पकड़ा, एक बेटी को हमारी पुलिस पकड़ के लाई, बरामद करके लाई नेपाल बॉर्डर से, कहीं ये षड्यंत्र नहीं है? नूरगंज करके एक गांव था कि छोटी छोटी बेटियों को बहलाओ, फुसलाओ, नाम बदल के बहलाओ और फिर उनकी जिंदगी को नरक बना दो, तबाह कर दो। ये मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। उसने नया कानून हमने बनाया, 10 साल का कड़ा कारावास छोड़ेंगे नहीं, जेल में चक्की पिसवाएंगे, और भी कई प्रावधान हमने किए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मैं फिर से पुलिस को बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिला प्रशासन को भी। इंदौर में तो नशे के ड्रग्स जो पकड़ी गई है, बाकी जगह भी कनेक्शन निकले, गोली उसका क्या नाम है, MDMA। अब वो 1 ग्राम की कोई गोली खा ले बच्चा, उसकी जिंदगी धीरे धीरे तबाह हो जाती है, पूरी पीढ़ी खोखली हो जाती है। 75-80 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ी, मैं अभिनंदन करता हूं, मैं बधाई देता हूं, 1 लाख परिवारों को तबाह होने से बचाया है। और अभी तक ये जितने माफिया हैं जिनके खिलाफ अभी स्वीट हार्ट होटल, इंदौर का स्वीट हार्ट होटल, जहां गलत हरकतें होती थी, हमने कहा तोड़ के इस होटल को माटी में मिला दो और अपराधियों को राष्ट्रपा में जेल भेजो, बुलडोजर चल रहे हैं, होटलें गिर रही है, तबाह कर दिया उसको गिरा के। केवल FIR नहीं होगी, ऐसे बदमाशों को माटी में मिला दिया जाएगा, उनकी आर्थिक कमर भी तोड़ देंगे, कहीं का नहीं रहने देंगे। ये जितने नशे के कारोबारी हो, रसूख और मसल पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले हो, मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे महसूस होता है, कई लोग कहते हैं आजकल आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसे अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये राजधर्म है, ये हमारा धर्म है। तो एक तरफ कड़ी सजा, उसके लिए बनाए गए कानून,
माफियाओं को कुचलना, उनको तबाह करना, बर्बाद करना। और मैं फिर चेतावनी देता हूं, मां बहन और बेटियों के सम्मान से खेलने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके साथ समाज को जागरूक बनाना, समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, मानसिकता बदलने का अभियान, जागरूकता पैदा करने का अभियान। मैं अपनी बेटियों को अपील करना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है मेरी बेटियों, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। समाज में अच्छे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, गुंडे बदमाश तो मुट्ठी भर होते हैं, इनको कुचल देंगे, इनको मसल के रख देंगे, लेकिन अच्छे लोग साथ देंगे। मैं पुलिस के मित्रों से कहना चाहता हूं, टीआईओ, एसआईओ, एसओ, हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो, सीएसपी, एसपी, ओपीओ, एसपीओ ऊपर के अधिकारी हो, ये गुमे हुए सारे बच्चे एक तो अब गुमे ना, इसकी कोशिश करनी है। अब हमें एक और, अभी हम उसको अंतिम रूप दे रहे हैं कि अब कोई मजदूरी करने, काम करने के लिए भी कोई बेटी बेटा बाहर जाएगा तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन जिले में किया जाएगा। जिले के बाहर अगर जाएगा तो हम एक व्यवस्था बना रहे, कम से कम ग्राम पंचायत में बताओ, और प्रदेश से बाहर जाना तो जिले में रजिस्ट्रेशन होगा कि बेटा कहां जा, बेटी कहां जा रही है, ले गए काम के बहाने और बेटी गाय मिल ही नहीं रही, ये नहीं चलने देंगे मध्य प्रदेश में। और इसलिए गृह मंत्रालय और बाकी मंत्रालय, आप गृह मंत्रालय लीड करेगा, बाकी सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करके हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि गांव की ग्राम पंचायत में भी पता रहेगा और प्रदेश से बाहर जा रहे हैं तो जिले में पता रहेगा, उनका नंबर रहेगा, कहां गए, कौन ले गया, ये जानकारी रहेगी, बेटी को ये पता रहेगा कोई मुसीबत आई तो कहां फोन करना है, उनके पेरेंट्स का पता रहेगा ताकि गड़बड़ अगर हो तो बेटी खबर कर सके और ऐसे लोगों को हम तभी ठीक करने का काम कर सके ताकि बेटियां गायब ना हो, मुसीबत में ना पड़े, उनकी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए। हम ये भी सोच रहे थे सार्वजनिक परिवहन की, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी व्यवस्था हो, वो कौन सा बटन जिसमें संकट में आए तो पैनिक बटन अभी हम अनिवार्य कर देंगे, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें चले और बाकी जो व्यवस्थाएं उबर ओला जैसी जो जो, जो गाड़ियां चलती है वहां वो पैनिक बटन होना चाहिए, अगर दिक्कत आए तो बेटी बटन दबा दे ताकि पता चल जाए। अभी हमने ऐसा ऑटो चालक हीरो भी देखा जिसने एक बेटी को बचा लिया, लेकिन कई बार गाड़ियों में भी बेटी दिक्कतों में आती है, वो बचाने के लिए भी अभियान चलेगा। जो बेटे अपहृत होंगे मिलेंगे नहीं, उनकी बरामदगी के लिए चेकलिस्ट के अनुसार, चेकलिस्ट बनेगी उसके अनुसार प्रयास होगा। जो परिवार जने जो रिपोर्ट लिखाने आएंगे उनको एक अधिकार पत्र दिया जाएगा और उस अधिकार पत्र में होगा कि पुलिस द्वारा विवेचना में कितने दिन में कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल होता क्या है, बेटी घूमी तो एक दो तीन दिन तो जरा सरगर्मी रहती खोजने की, फिर पुलिस थाने को और जरूरी काम रहते हैं तो उसका ध्यान हटने लगता है, और फिर कई बार अगर मां बाप पहुंचते हैं तो वो फिर नजरअंदाज करता है या भगाने भी लगता है, और कई बार ऐसी बात भी हो जाती है कि बेटी तो संभाल ही नहीं, चली गई, अब हमारे पास आ गए। मैं हर एक की बात नहीं कह रहा, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अब जिनके यहां से बच्चे गायब होंगे पुलिस विवेचना के दौरान कितने दिनों में कौन सी कार्रवाई करेगी इसका उल्लेख किया जाएगा। जो बच्चे मिल नहीं रहे विशेषकर बेटियां, परिजनों के साथ 15 दिन में थाना प्रभारी के स्तर पर और 30 दिन में एलडीओपी केस डायरी के साथ बैठेंगे परिजनों के साथ और सुनिश्चित करेंगे कि अधिकार पत्र के अनुसार कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। नीचे तक सुन रहे हैं पुलिस के मित्र, ये निर्देश है, इसका पालन किया जाएगा। सभी लंबित लापता बच्चों के प्रकरण की समीक्षा सबसे पहले एसपी करेंगे, पुलिस अधीक्षक, और यह सुनिश्चित करेंगे क्या ढूंढने के सभी प्रयास हो गए,
और इसके पश्चात भी अगर बेटी नहीं मिलती है तो आईजी पुलिस महानिरीक्षक जॉन वो समीक्षा करेंगे और सभी आईजी की समीक्षा सीधे पुलिस महानिदेशक हमारे करेंगे। पुलिस महानिदेशक यहां बैठे हुए और जनसुनवाई के दौरान भी मैं निर्देश दे रहा हूं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अगर कोई बेटी गायब है, बेटा गायब है, तो सबसे पहले सुनवाई उसी की होगी, उनके परिजनों को सुनना पड़ेगा, अश्लीलता पर नियंत्रण करना, उसके जितने उपाय किए जा सकते हैं वो सारे के सारे उपाय, हमारी सीमाएं हम जानते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक की है, गृहमंत्री जी और हम साथ थे, तो सारे उपाय हम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बेटियां गायब हुई एक स्टेडियम कराएंगे, एक अध्ययन कराएंगे मानसिकता का पता लगाने के लिए, और घरों में भी मैं माता पिताओं को कह रहा हूं बेटियों की उपेक्षा मत करो, उनको मित्र मानो, संबंध ऐसे रखो कि दिल खोल के बेटी चाहे तो पिता या माता से अपनी हर बात शेयर कर सके। कई बार हम बच्चों को बहुत डरा के रखते हैं, बच्चे बात ही नहीं कर पाते हमसे, कई बार बच्चों को लगता है कि अगर ये बात कह दी तो माता पिता बहुत नाराज हो जाएंगे, अरे वो दोस्त है हमारे, उनके साथ सहज स्वाभाविक संबंध, और कई बार जब उपेक्षा होती है बच्चों की घर में, विशेषकर बेटियों के घर में, तो स्नेह की चाहत एक जिंदा इंसान को हमेशा रहती है, जहां उसको स्नेह मिलता है फिर वो वहां चल देता है। ये घरों में भी प्यार बांटना ये हमारी जवाबदारी है, मैं नहीं कहता कि माँ बाप ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई नहीं करता तो उसको जरूर करना चाहिए, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। तो ये स्टडी भी हम करवाएंगे। मजदूर के बारे में मैंने कहा वन स्टॉप जो सेंटर है मध्य प्रदेश में, सबसे पहले जेपी अस्पताल में हमने शुरू किया था, फिर पूरे भारत में इसको किया गया, उसको और सुदृढ़ करने का हम काम करेंगे, और बाकी सारे विभाग मिलकर, यहां सब साथ ही बैठे, प्रत्येक गांव में और विकासखंड स्तर पर बाल सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, गांव के स्तर पर भी करेंगे और विभाग के स्तर पर भी करेंगे, और जिला स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जानकारी प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर से साझा की जाएगी, ताकि महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार एवं एसिड अटैक आदि से पीड़ित महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पुनर्वास किया जा सके। एक बात और मैं सारे प्रदेश के बहन और भाइयों को कहना चाहता हूं, अत्याचार की शिकार बहन हो चाहे बेटी हो, उसके प्रति स्नेह और सच्ची सहानुभूति चाहिए। कई बार भीड़ में वो अपने आप को अकेला महसूस करती है, और इसलिए कई बार या तो वो जिंदगी समाप्त करने का सोचती है या उसकी जिंदगी नरक बनकर रह जाती है। इनका कोई दोस्त नहीं है, इनको अपनाओ, इनको स्नेह दो, प्यार दो, ये आपके स्नेह और सहयोग के हकदार है। इसलिए मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी, इनका मानसिक पुनर्वास भी हमको करना पड़ेगा। प्रतिमा वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के प्रति होने वाली अधिक घटनाओं तो उन क्षेत्रों की पहचान करेगी, तथा ऐसी घटनाओं का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाएगा। मैं कलेक्टर भोपाल को और पुलिस प्रशासन भोपाल जिले को बधाई देता हूं। अभी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए, कौन कौन से स्पॉट ऐसे जहां बेटियों के साथ छेड़छेड़ी, सप्तियां कसना, दुर्व्यवहार की शिकायत रहती है। ये पूरे प्रदेश में पहचाने जाने चाहिए, कुछ जगह खड़े होकर यह काम होता है, और इसलिए इनकी पहचान करनी चाहिए हमको कौन कहां है, और उसके हिसाब से हमको अपने जिले में बेटियों के सम्मान की रक्षा सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। एंटी वुमेन ट्रैकिंग यूनिट के कार्यों की समीक्षा और शेयरिंग जिला प्रोटेक्शन कमेटी जिसमें कलेक्टर एसपी सब है उसको करना है, ये निर्देश भी मैं दे रहा हूं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित चल रही कई हेल्पलाइन का एकीकरण के भी आज हमने निर्देश दिए हैं, उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। मित्रों, हम सबको मिलकर, अकेली सरकार नहीं, मैं फिर कहता हूं हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम सब मिलकर माइंडसेट बदलने का काम भी करें। ये अभियान केवल 15 दिन तो सघन रूप से चलेगा, लेकिन डीजीपी ने यह बात बिल्कुल सही कही कि यह लगातार चलने वाला अभियान है। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान ये हमेशा चलने वाला अभियान है,
इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इसको बेटी बचाओ अभियान के रूप में, नया बेटी बचाओ अभियान है ये, इसको लगातार चलाएगी। आज जो कार्य योजना बनाई है गृह विभाग ने, मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है हम जो बेटियां गायब है उनको ढूंढ कर लाने में भी निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। आगे बेटियां गायब ना हो इसकी चिंता करेंगे, और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान ढंग से कर पाए इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं संपूर्ण समाज को आह्वान करता हूं, मीडिया के मित्रों के साथ भी मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भी ड्यूटी केवल खबर दिखाना नहीं है। मित्रों, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के इस कार्यक्रम में आप भी बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने सामाजिक दायित्व का पालन करें। बेटियों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है आप भी निभाएं, ये अपील भी करता हूं मैं आपसे। और एक बेटी ने एक तो गीत बहुत अच्छा बना है, वो रेडियो पे भी चलना चाहिए, टीवी में भी चलना चाहिए, उसकी कार्य योजना बननी चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में भी चलना चाहिए। यहां तक कि जब बेटियों के पांव हम पूजते हैं, उनकी पूजा करते, तब वो गीत बजता रहे सरकारी कार्यक्रमों में, तो उस समय वो गीत बजता रहना चाहिए ताकि एक भाव पैदा किया जा सके बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का। आज ये सम्मान कार्यक्रम में हमने हीरोज का सम्मान किया है, अब ये हीरोज का सम्मान मध्य प्रदेश लगातार करेगा। जहां कोई ऐसा हीरो मिलेगा, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, जो बेटियों की सम्मान की रक्षा करेगा उसको लगातार पुरस्कृत किया जाएगा, उसका अभिनंदन किया जाएगा। हर स्तर पर हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और एक बेटी ने, महती दीक्षित, ये दसवीं की बेटी है, दसवीं की बेटी, इसने ये कविता लिखी है पंछी। आज मैं आपको उस बेटी की कविता है, मैं पूरी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें भी संदेश है मेरे मित्रों, ये बेटी की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन, ये बेटियों से है। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन, ना कोई झंझोड़ पाए पिंजरे में तुझे, इस खुले आसमां की आजाद पंछी बन। तू देख सपने बड़े, तू देख सपने बड़े, न रुक उन लोगों को देख खड़े, तू छलांग तो मार एक बार बिना इस दुनिया से डरे। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन, तू उम्मीद बन हर उस पीड़ित की जो आस लगाए है खड़े, तू आग बन तूफान बन, माँ दुर्गा का अवतार बन, ना किसी के एहसान ना किसी का एहसान बन, माता पिता का अभिमान बन। तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज बन। ये महती की आवाज प्रदेश भर की बहती यहां पे है क्या? मैं इस बेटी को भी पुरस्कृत करना चाहता हूं, कम से कम अभी एक फूलमाला ही दे दे ताकि मैं इस बेटी का सम्मान कर सकूं। और इस बेटी ने जो कहा है, समाज की जवाबदारी कि हमारी बेटियां ऐसी बनके अरे खुले आसमान में प्रगति विकास की लंबी छलांग भरे बिना किसी व्यवधान के, और उसकी उड़ान को रोकने वालों को यह हमारी जवाबदारी और समाज की कि हम नेस्त नाबूद कर दें, उनको समाप्त कर दें इस समाज से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महती बेटी का सम्मान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद सर। अब मैं श्रीमती अरुणा मोहन राव, विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण से धन्यवाद ज्ञापन हेतु अनुरोध करूंगी। किसी ने सही कहा है, महिलाओं की स्थिति में सुधार न होने तक विश्व की कल्याण की कोई कल्पना नहीं हो सकती। किसी पक्षी को एक पंख के सहारे उड़ान बिल्कुल असंभव है। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम सम्मान